आज हमारी पूरी टीम जो आने वाली 5 अक्टूबर को आपने वोट के माध्यम से अपने नुमाइंदे को चुनना है, आपकी कौन सी सरकार 5 साल सेवा करेगी इसको चुनना है, उसके लिए आपके बीच में आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन, आपका सहयोग मांगने के लिए हमारी पूरी टीम आई है। और आपके बीच में और पार्टियों के लोग भी आएंगे, जैसा भी परमजीत ने कहा, भाई मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं, लेकिन 4-5 बातों के ऊपर, बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने के लिए जरूर खड़ा हुआ हूं। हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, हमारी सरकार ने 65 दिन की जो नायब जी को भी समय मिला, 49 लाख घरों के लिए हर महीने एक सिलेंडर 500 रुपए में देने का ऐलान भी किया और वो लागू भी हो गया। कांग्रेस वाले लोग भी कह रहे हैं 500 में सिलेंडर देंगे, लेकिन जब वो आएंगे उनसे पूछना, 10 साल पहले केंद्र में भी सरकार थी, स्टेट में भी सरकार थी, सिलेंडर कहां लेने जाते थे जी? कहां जाते थे लेने 10 साल पहले? ना कहां, अंबाड़ा यहां तो नहीं मिला था मां, और अंबाड़ा जहां थे तो क्या एकदम मिल जाता? 3-3 दिन, 2-2 चक्कर लगा दे कि नहीं? जब ब्लैक देखेंगे ना दे तो तुरंत मिल जाता, ब्लैक में मिल जाता कि नहीं जी? जब और आज किस तरह आ रहा सिलेंडर, कहाँ रहा सिलेंडर जी? गांव में आ रहा है ना, जिस तरह आलू वाला फेरी मारता फिरा है ना, सिलेंडर वाला घूमता फिर रहा ऑटो के ऊपर। मोदी जी ने कोई कुएं नहीं खोद दिए आगे इन 10 सालों में, जो मैं बात बताने लग रहा हूं। मोदी जी ने एक नियत रखी भी देश के सारी चीजों के ऊपर सबका बराबर का हक है। अगर शहर की मां बहन रोटी सिलेंडर के ऊपर बना रही है तो गांव की मां बहन अपने फेफड़े खराब नहीं करेगी चूल्हे के ऊपर। कांग्रेस ने ब्लैक मार्केटिंग और कोटे को आगे बढ़ाया। चीनी की कोटे की बात है, मिट्टी के तेल के कोटे की बात है, गैस के कोटे की बात है, टेलीफोन के कोटे की बात है, और तो और जो सरकारी ट्यूबवेल थे उनका भी कोटा रखा हुआ था।